हाय गाइस, मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर ट्रेवलर। तो गाइस, आज हम जा रहे हैं श्यामला ताल, चंपावत ज़िले में पड़ने वाली, टनकपुर से 20 किलोमीटर आगे। ये छोटी सी लेक है और बहुत सुंदर सी झील है। तो आज हम जा रहे हैं श्यामला ताल। तो लेट्स गो, करते अपनी वीडियो स्टार्ट। तो गाइज, अभी हमारा सफ़र, मैं आधे रास्ते तक पहुंच गया हूँ। यहाँ से 25 या 21 किलोमीटर्स और बचे हुए हैं। तो फ़िलहाल मैं एक जगह पर आया हूँ। तो ये देख सकते हो मेरे पीछे का व्यू आप। इसे बंदे का ही तो बोलते हैं सुसाइड पॉइंट, और कई बंदे इसे बोलते हैं लवर्स पॉइंट। तो फ़िलहाल ना हमारा सुसाइड करने का मूड है और ना लवर्स है, तो फिर देख लेते हैं। फिर भी पीछे का व्यू मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अभी अभी थोड़ा सा फॉग लगा हुआ है, तो इसकी वजह से आपको क्लियर नहीं दिख रहा। बाकी ये देख लीजिए, तो इसके जस्ट जस्ट बगल में एक मंदिर भी है। कहा जाता है कि एक बार कोई गाड़ी वहाँ से नीचे गिर गई थी, बहुत गहरी खाई है। तो जब से वो मंदिर बनाया है, तो रियली मैं कम से कम इस बात को 35 या 40 साल हो गए हैं, तब से आज तक कभी उस जगह पर एक्सीडेंट नहीं हुआ। तो भगवान की एक बहुत बड़ी कृपा है हमारे लिए। मैं मंदिर को भी दिखाऊंगा, फ़िलहाल आप देख लीजिए। और गाइस, एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि रोड की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत बेहतरीन। जस्ट अभी 2 ईयर्स बिफोर ये रोड बनी हुई है, तो 50 फीट की रोड है। तो ये पहाड़ी एरिया है, तो आप ये मत समझिएगा कि रोड की वजह से ना जाऊँ, क्योंकि बहुत चौड़ी रोड है। तो अभी देखते हैं मंदिर। तो गाइज, ये है वो मंदिर, आप देख सकते हैं। ये बहुत बड़ी कृपा रही है यहाँ पर। अभी कोई यहाँ पर बाबा भी रहते हैं, देखिए उनके खाने के बर्तन हैं, और ये सोलर लाइट लगाई हुई है। और फ़िलहाल तो ये गेट बंद किया हुआ, लेकिन माँ पूर्णागिरी का मंदिर है, और अंदर भगवान गणेश की भी मूर्ति विराजमान है। और रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है गाइज, बहुत अच्छी रोड है। तो ये देखिए मंदिर है, उसके बाद चारों तरफ पहाड़ियाँ, और आप देख सकते हैं बंदर। हे मंकी, ओ दोस्तों, हमारे पहाड़ी क्षेत्र में कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई बंदा कैसे भी मर सकता है, बट भूखा और प्यासा नहीं मर सकता। जहाँ तक रही प्यास की बात, तो हर 2 किलोमीटर में जहाँ पर भी आपको प्यास लगेगी, आपको कोई ना कोई झरना फूटा हुआ, कोई ना कोई स्रोत फूटा हुआ मिलेगा। इसी का एक स्पष्ट उदाहरण है, ये एग्जांपल के तौर पर ये पीछे मेरे स्रोत चल रहा है। फिलहाल मैंने यहाँ पर पानी पिया और अभी मुंह साफ करके मैं निकलूँगा। तो ऐसे हर 10 किलोमीटर में आपको, हर 5 किलोमीटर में आपको कोई ना कोई स्रोत मिलेगा। तो देख सकते हैं आप यहाँ पर आने जाने वाले कितने भी राहगीर हैं, ड्राइवर्स हैं, और जितनी भी सवारियाँ हैं, उतर के पानी पीते हैं फिर आगे बढ़ते हैं, और बहुत मीठा पानी है। तो गाइज, अभी हम पहुँच गए हैं सूखी ढाँक। तो ये रोड जो सीधी जाती है नेशनल हाईवे, ये सूखी ढाँक के लिए जा रहा है। और ये छोटी सी रोड जो लिंक रोड कटी हुई है, ये श्यामला ताल के लिए जा रहा है। ये बोर्ड लिखा हुआ है श्यामला ताल, और फाइनेंस बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म। तो गाइज, यहाँ से हम टर्न कर लेंगे श्यामला ताल के। फ्रेंड्स, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये जो सूखी ढाँक जो मैंने अभी जस्ट आपको रोड दिखाई थी, जहाँ से टर्न होती है, यहाँ से 5 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस और श्यामला ताल की। बट प्रॉब्लम ये है कि यहाँ तक तो आप
अगर आपके पास अपना व्हीकल है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ तक आप आ सकते हो बस से या टैक्सियाँ मिल जाती है या मैक्स मिल जाती है। बट प्रॉब्लम क्या है कि ये जो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस है, अगर आपके पास अपना कोई सुविधा नहीं है तो फिर आपको ये पैदल ही तय करनी पड़ेगी। तो हो सके तो अपनी कुछ व्हीकल लेके आने की कोशिश करें, तो ये बहुत ज़रूरी बात ध्यान रखें, क्योंकि यहाँ से श्यामला ताल तक जाने के लिए कोई सुविधा नहीं है फिलहाल, कि इतना बड़ा पिकनिक प्लेस नहीं है। तो हेलो गाइस, फाइनली हम पहुंच गए हैं श्यामला ताल लेक। जो मेरे पीछे आप ये लेक देख रहे हैं यही है श्यामला ताल लेक। तो मैं इसका रूट आपको बता देता हूं, क्योंकि मैं जल्दीबाजी में सुबह आपको बता नहीं पाया था। तो आप आएंगे, लास्ट स्टेशन इसका पड़ता है टनकपुर। टनकपुर रेलवे स्टेशन है, बाकी बड़ा बस स्टेशन भी है। तो वहाँ से ये लगभग 28 किलोमीटर्स की दूरी पर है। उसके बाद ये पड़ता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, और सूखी ढाक से राइट टर्न होके 5 किलोमीटर आप राइट टर्न होके श्यामला ताल पहुँच सकते हैं। तो मेरे पीछे आप देख रहे हैं सुंदर सी लेक। काफ़ी फॉग है इधर, काफ़ी फॉग आया हुआ आज, क्योंकि मौसम क्लाइमेट यहाँ पर मैंने अभी मोबाइल में चेक किया था तो 19 डिग्री सेल्सियस, और जहाँ से मैं आया हूँ खटीमा से तो वहाँ पर क्लाइमेट चल रहा था 31 डिग्री सेल्सियस। तो देख लीजिए आप, 28 या 35 किलोमीटर की डिस्टेंस पर एकदम से क्लाइमेट चेंज हो जाता है, क्योंकि शायद 1500 मीटर की हाइट्स पर ये श्यामला ताल लेक है। मेरे पीछे आप ये छोटा सा होटल देख रहे हैं जो फिलहाल बंद हो चुका है। ये है कुमाऊं मंडल विकास निगम के द्वारा बनाया हुआ। एक्चुअली में 2 होटल्स थे, लेकिन उनकी भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये इतनी ज़्यादा नैनीताल, भीमताल और नौकुचिया ताल, इन सब लेक की तरह हमारे कुमाऊं क्षेत्र में इतनी फेमस नहीं है। लेकिन ये चंपावत डिस्ट्रिक्ट में पड़ने वाली अकेली झील है, तो अगर गवर्नमेंट का थोड़ा ध्यान जाए तो ये टूरिस्ट बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट हो सकता है, ख़ासकर इसके अगल बगल के लोकल लोकेशन के लिए। इसके बगल में उधम सिंह नगर और जस्ट बगल में नैनीताल, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट, और इसके लेफ्ट साइड में नेपाल। तो ये अपने राज्य स्तरीय सीमा और अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ये दोनों सीमाओं में ये लेक बहुत नज़दीक है। इवन के अभी मैं आ रहा था तो जस्ट नीचे मैंने मोबाइल ओपन किया तो उसमें सजेस्ट कर रहा था कि नेपाल का कुछ नेटवर्क सजेस्ट कर रहा था। तो समझ लीजिए आपकी, अगर मोबाइल का नेटवर्क नेपाल का नेटवर्क पकड़ रहा है मोबाइल, तो ये मीनिंग कि ये नेपाल के बहुत नज़दीक है। बाकी इस लेक के बारे में बताऊँ तो श्यामला ताल, तो इसका श्यामला ताल लेक का मीनिंग यही है कि इस झील का जो रंग है, इस लेक का रंग है वो श्यामल है। श्यामल यानी भगवान कृष्ण का रंग। कहते कि इस एरिया में जो मिट्टी है वो ब्लैक कलर की है, और बहुत ज़्यादा यहाँ पर प्राकृतिक रूप से हरे भरे वृक्ष बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से इस झील का कलर पूरी तरह काला है, या श्याम बोल सकते हैं। तो इसी वजह से इसका नाम श्यामला ताल है। तो गाइज़, बाकी देर न करते हुए मैं आपको दिखाता हूँ श्यामला ताल के कुछ अद्भुत दृश्य। Thank you.
फैक्ट आपको बताता हूँ कि ये जो जो लेक है लगभग आधा किलोमीटर हाफ किलोमीटर का है, तो इसके चारों तरफ रोड बनी हुई है। तो आप अगर ड्राइव करते हुए इसके साथ ट्रैवल करते हुए इसको झील को निहारना चाहते हैं तो अच्छी चीज़ आप कहीं से बेहतरीन प्राकृतिक दृश्य आप देख सकते हैं। ये जो पहाड़ियाँ हैं, पेड़ हैं, वो उनकी परछाई सी इस झील में आपको बेहतरीन तरीके से दिखाई देगी। ये देख लीजिए, और यहाँ पर भीड़ भाड़ भी नहीं है, तो आप ये समझे कि कहीं इतना बड़ा टूरिस्ट स्पॉट नहीं है कि ना, दो चार शॉप हैं वहाँ पर से आप अपने खाने पीने की नॉर्मल आइटम ला सकते हैं। बाकी अगर घर से ही कुछ बना के लाएँ तो बेहतर रहेगा। तो बाकी मैं और अभी आपको व्यूज़ दिखाता हूँ। तो गाइज़ फ़िलहाल लेक को बाय बाय बोलते हैं और मिलता हूँ आपको। आपको बहुत सारी और जगह घुमाना है इसके जो नज़दीक में जो कुछ टूरिस्ट स्पॉट है उन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। तो फ़िलहाल बाय बाय श्यामला ताल, नाइस टू मीट यू। तो गाइज़ अभी मैं आपको लेकर आया हूँ स्वामी विवेकानंद आश्रम। मैं पहले भी दो या चार बार इधर आ चुका हूँ, मुझे बहुत यहाँ पर शांति महसूस होती है। स्वामी विवेकानंद जी का है, बट क्या हुआ कि अभी प्रॉब्लम की ये कोरोना की वजह से ये इसके दोनों गेट क्लोज किए हुए हैं, बट फिर भी मैं आपको इसके व्यूज़ दिखाता हूँ। देखिए गाइस, यहाँ पर कुछ फार्मिंग का भी है, शायद मशरूम कुछ टेंट्स के अंदर जो सब्जी लगाई जाती है। बाकी ये देख लीजिए आप, स्वामी विवेकानंद धर्मांत चिकित्सालय, तो ये दूर दराज के यहाँ पर के नज़दीक के गाँव के लिए बहुत अच्छी जगह है। मैंने सुना है कि कुछ 70 या 80 बच्चों को यहाँ पर सीख। ये देखिए गाइज, ये मुझे स्कूल लग रहा है। यहाँ के जो नज़दीकी तो ग्रामीण एरिया के छोटे बच्चे हैं उनको ये यहाँ पर शिक्षा भी मिलती है, और फिर ये हॉस्पिटल भी है। फिलहाल ये हॉस्पिटल का बोर्ड लगा हुआ है, श्री कृष्ण सेवाश्रम रामकृष्ण और धर्मार्थ श्यामला ताल। देखिए गाइस, बहुत सुंदर जगह है। फिलहाल कोरोना की वजह से इसे क्लोज किया हुआ है, बट मैं दूसरे रास्ते से आ गया हूँ। ये देखिए गाइस, काफ़ी प्रकार के फूल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। ये प्रेयर हॉल है, फिलहाल बंद है, भगवान श्री रामकृष्णा प्रेयर हॉल। देख सकते हैं आप, यहाँ पर कुछ प्रार्थना होती होगी। तो गाइज़, मैं बाकी आपको नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि ये फ़िलहाल के लिए बंद किया हुआ है, तो कोई देख लेगा तो मुझे बोलेगा आप कैसे आ गए। यहाँ पर एक पोस्ट ऑफिस भी देख रहा हूँ मैं, पोस्ट ऑफिस है, और इसके बैक साइड में देखते हैं। फ़िलहाल ये मुझे बहुत अच्छी है, शांति जगह है। स्वामी विवेकानंद की जी के नाम पर बनाई हुई एक आश्रम है, और ये कुछ सोलर लाइट्स का दिख रहा है, और ये पीछे खेत हैं।
आपने देखा होगा मैं थोड़ा सा अंदर जाने में कामयाब रहा, अभी मैं निकलता हूँ यहाँ से। तो इसके बारे में बता दूँ, ये विवेकानंद सेवा आश्रम है रामकृष्ण मिशन के अंतर्गत। शायद विवेकानंद जी रामकृष्ण मिशन के वो ही चलाते थे, रामकृष्ण उनके गुरु थे, और ये विवेकानंद जी के कुछ शिष्य थे, उनका नाम मैं भी भूल रहा हूँ। तो उन्होंने ये सन 1940 में या शायद 1915 में 1915 में या 1925 बताते हैं कि इवन 100 ईयर्स से इनको कंप्लीट हो गए हैं बनाए हुए। ये कोई हमारे इधर के ग्राम प्रधान थे, इनके गांव के सरपंच, उनसे उन्होंने उस 1915 में या 1920 में 70 रुपीज़ में ये जगह ली थी, और उन्होंने यहाँ पर आके ये आश्रम स्थापित किया था स्वामी विवेकानंद जी के जो शिष्य थे उन्होंने। तो स्वामी विवेकानंद जी का बहुत अच्छा आश्रम है, और यहाँ पर चिकित्सा की सुविधा भी है, आयुर्वेदिक चिकित्सा, और बाकी इस यहाँ पर जो भी मेडिसिन मिलती हैं वो कॉस्ट में बिल्कुल फ्री हैं। और 70 या 80s बच्चों को स्वामी विवेकानंद जी का ये आश्रम में फ्री एजुकेशन मिलती है। तो अभी तक मैं इनके बारे में से फिलहाल इतना ही जान पाया हूँ। और विवेकानंद जी की एक शिष्या थी कोई फॉरनर, अभी मुझे उनका भी नाम याद नहीं आ रहा, वो भी इधर बोलते हैं कि 7 या 8 साल तक रही, और यहाँ पर उन्होंने तप किया, योगा किया। शायद ये जगह भी बिल्कुल सुटेबल है तप करने के लिए ऋषि मुनियों के। तो आप मेरे पीछे बोर्ड देख सकते हैं, तो 1915 में है, तो मैं शायद सही था, ये फाउंडेड है इन 1915, और ब्रांच इंटर टू रामकृष्णा मिशन बेलूर मठ वेस्ट बंगाल। ओके, स्वामी बीरा जनता उनका नाम था जो विवेकानंद जी के शिष्य थे। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखेगा यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहाँ पर इसकी जानकारी दी हुई, फ़ोटो खींचना मना है बट मैं तो वीडियो बना रहा हूँ। तो स्वामी विवेकानंद की शिष्य स्वामी बीरजानंद द्वारा 1915, हाँ यहाँ पर मैं सही था। तो उसके अलावा ये विजिटर्स, ओके, तो 1915 में ये बना हुआ है। ओके गाइज, तो फ़ोटो खींचना मना है, तो ज़्यादा देर ना करते हुए। तो गाइज, आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी कैसी लगी? ये था श्यामला ताल का ट्रिप जो फ़िलहाल हमने क्लोज कर दिया है। तो चैनल को लाइक ज़रूर कीजिएगा, हो सके तो कमेंट्स कीजिएगा, और गाइज प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और अपना सपोर्ट यूँ ही बनाए रखिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में कोई नई ट्रिप पर, तो स्टे ट्यून, गुड बाय।